तो आज की क्रिप्टो न्यूज़ की शुरुआत एक बहुत ही बड़े, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार अपडेट के साथ करने वाला हूँ, जहाँ की अपडेट निकल के आ रही है शिबा इनू कॉइन की तरफ से। जी हाँ, जो आज की ट्रेंडिंग कॉइन रही दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने शिबा के रिगार्डिंग सर्च भी किया और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा हमारे कॉल से। भैया यहाँ पे शिबा इनू के रिगार्डिंग एक और बड़ी अपडेट निकल के आ गई। यहाँ पे शिबा इनू ने दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया दोस्तों, क्योंकि 2.3 बिलियन दोस्तों एक वेल के एड्रेस पे शिबा इनू है। और सबसे मज़े की बात क्या दोस्तों, वेल्स के सपोर्ट से शिबा इनू पे 35% की रैली हमें देखने को मिली और वेल्स ने इन्वेस्टमेंट की है $300 मिलियन की। मतलब दोस्तों ये एक सॉफ्ट सिग्नल जरूर से हो सकता है आने वाले बड़े पंप के लिए, या फिर दोस्तों थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि भैया वेल्थ जैसे इन्वेस्ट करते हैं उस तरीके से सेल भी करते हैं, तो शिबा इनू पे कभी भी हमें डंपिंग वाला सिनेरियोस देखने को मिल सकता है, हेवी डंपिंग वाला। तो भैया उससे बचने के लिए नीचे स्टॉप लॉस लगा कर रखे। बाकी दोस्तों अपडेट काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि भैया ये सीधा सिग्नल कर रही है कि शिबा इनू में कुछ बड़ी अपडेट्स आने वाली है, क्योंकि भैया वेल्स आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपडेट्स को जानने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनसे उन्हें एक्सट्रीम प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। भैया दूसरी जो अपडेट निकल के आ रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि पुरानी जो क्रिप्टो बिल की दोस्तों हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिली थी दोस्तों, वो अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि भैया नई क्रिप्टो बिल डिज़ाइन की जा रही है भैया, और बहुत जल्दी नए बिल के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। पुराने बिल से लोग थोड़े पैनिक कर गए थे, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात की जा रही थी, बट अभी अगर हम र्यूमर्स की माने तो दोस्तों बैन के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। सभी अपडेट्स में ये बताया जा रहा है कि भैया जो क्रिप्टो है वो इंडिया में रेगुलेट हो सकता है, और रेगुलेशन के बाद आपको पता है एक बहुत बड़ी पंप देखने को मिल सकती है। अगर सही तरीके से रेगुलेशन आ गई तो भैया क्रिप्टो मार्केट भैया बहुत तेज़ी से पंप कर सकती है, बट सब कुछ डिपेंड करने वाला रेगुलेशन पे। रेगुलेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने दी है आपको अपने पिछले वीडियो में, तो जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगी। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें लवली इनू कॉइन के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, तो भैया यहाँ पे जो फंड क्रिएट हुआ था क्रिप्टो करेंसी बैन, या फिर दोस्तों कह लीजिए प्राइवेट क्रिप्टो बैन को लेकर के, उसके बाद दोस्तों इंडियन प्रोजेक्ट्स को अच्छा खासा नुकसान और पैनिक सेलिंग देखने को मिली, यहाँ तक कि इंडियन एक्सचेंजेस की भी हालत खराब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, एक ही दिन में लोगों ने दबा के सेलिंग की थी, जिसके बाद दोस्तों आप सभी को बहुत ज़्यादा उथल पुथल इंडियन मार्केट में देखने को मिली थी। बट अब जो ये अपडेट निकल के आ रही है क्रिप्टो रेगुलेशन के रिगार्डिंग दोस्तों, अगर रेगुलेशन सही तरीके से आ जाता है तो भैया लवली इनू कॉइन में हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और लवली इनू कॉइन शार्प पंप आप सभी को दिखा सकती है, बिल्कुल तैयार हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लवली की अपडेट पेंडिंग में है। मुझे लगता है लवली भी रेगुलेशन का वेट कर रही है, अगर रेगुलेशन पॉजिटिव निकल के आता तो मुझे लगता है लवली एक-एक बहुत सारे अपडेट पुश कर सकती है, जिससे दोस्तों आप सभी को प्राइसिंग में बहुत ज्यादा शार्प प्राइस देखने को मिल सकता है। बट मैं अभी भी कहूंगा $1 की एक्सपेक्टेशन ना रखें दोस्तों, भाई भैया प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक कीजिए दबा के, बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा है कि लवली इनू बहुत जल्द बहुत सारे अपडेट्स ला सकती है, बट पहले क्रिप्टो बिल को आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा इंडियन प्रोजेक्ट धमाकेदार स्पीड से आगे बढ़ सकती है। बाकी दोस्तों चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और भैया यहाँ पे दोस्तों बैंक ऑफ फ्रांस के गवर्नर की तरफ से बहुत अर्जेंट अपडेट आ गई है। डिप्टी गवर्नर दोस्तों ये कहा है कि भैया जो इनोवेशन है डिजिटल करेंसीज में, वो दोस्तों ग्रेटर एफिशिएंसी इन पेमेंट्स की तरफ मूव कर सकती है कंट्री को, और साथ ही साथ जो कॉस्ट आती है दोस्तों उसे भी रिड्यूस कर सकती है। बहुत ज़बरदस्त ये अपडेट है दोस्तों, क्योंकि बैंक ऑफ फ्रांस के डिप्टी गवर्नर की तरफ से जब ये कहा जा रहा है तो भैया एक बहुत ही अर्जेंट अपडेट हो सकती है, क्योंकि भैया आपको पता है फ्रांस एक इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग यूरोपियन कंट्रीज में से एक है, जब वहाँ के बैंक के डिप्टी गवर्नर की तरफ से इस तरीके के अपडेट निकल के आते हैं तो पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक तरह से कह लीजिए हलचल हो जाती है। और भैया जब इतने पॉजिटिव अपडेट्स आएंगे तो भैया बिटकॉइन जरूर से आप सभी को एक न्यू ऑल टाइम हाई बना के फिर से दिखा सकती है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। बात तो सही है भैया, बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई बना सकती है, लेकिन क्रिप्टो एनालिस्ट की तरफ से दोस्तों वार्निंग इशू कर दी गई है बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को लेकर के। भैया अल्टकॉइन इन्वेस्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है आपको शार्पली डिक्लाइन की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि भैया बताया जा रहा भैया बिटकॉइन जो है बहुत
बुल ट्रैप बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। और बुल ट्रैप क्या होता है भैया, आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, बिटकॉइन ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, लेकिन दोस्तों एट एनी पॉइंट दोस्तों वहां से सीधे डंपिंग आपको देखने को मिल सकता है। इसे कहते हैं बुल ट्रैप दोस्तों। इस बुल ट्रैप से बचने के लिए आपके पास एक ही उपाय है भैया, क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा लेना। और स्टॉप लॉस अगर आपकी सही रहती है फिर भैया आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है बिटकॉइन जो है लोअर लोज में ही यानी अपर हाइज जो है दोस्तों उससे कम हाई बनाई है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे वार्निंग इशू किया गया भैया कि बिटकॉइन ने दोस्तों नवंबर के महीने में दोस्तों अर्ली नवंबर में 69,000 डॉलर्स के मार्क को हिट किया था, बट भैया उसने दूसरी बार दोस्तों 68,000 के मार्क को हिट किया, 69,000 को टच भी नहीं किया और लोअर हाई बनाई है दोस्तों, जिसके चलते दोस्तों जो एनालिस्ट है उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही है, फिर दोस्तों कह लीजिए उन्होंने सीधे बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के लिए वार्निंग इशू कर दी है कि भैया ये बुल ट्रैप हो सकता है और इस ट्रैप से बच के रहे। अरे आपको पता नहीं है क्या, ये जो शिबा इनू कॉइन है दोस्तों ऑल टॉप 10 मेजर क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज पे आ चुकी है दोस्तों। आज भी शिबा इनू कॉइन की नई लिस्टिंग हुई है, आपको तो पता ही होगा कार्केन एक्सचेंज पे, जो कि खुद भाई बहुत बड़ी एक्सचेंज है, जिसके अंदर दोस्तों हमें एक रैली भी दो क्रिप्टो मार्केट पे शिबा इनू को लेकर देखने को मिली थी, बट आगे के लिए और भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया भैया, शिबा इनू कॉइन जो इसे अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिएगा, ये जब ब्रेकआउट दिखाती है तो भैया अच्छी खासी पंप दिखाती है, दूसरे कॉइन्स की तरह ये धीरे धीरे बढ़ना पसंद नहीं करती है, ये एक ही बार में स्काई ट करना पसंद करती है। भैया यहाँ पे दो अर्जेंट अपडेट है शिबा के लिए और शिबा के होल्डर्स के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए शिबा इनू डंप भी कर सकती है क्योंकि वेल्स ने इन्वेस्टमेंट करी, और दोस्तों अगर शिबा इनू यहाँ पे सपोर्ट जोन पे अच्छे से खड़े हो जाती है और डंप नहीं करती तो एक बार फिर से आपको एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रही है शिबा इनू कॉइन, क्योंकि शिबा इनू की दो तीन बड़े अपडेट्स हो सकता है अगले एक हफ्ते में आपको देखने को मिल जाए, जिसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बड़ी दोस्तों ब्रेकआउट आपको शिबा इनू पे देखने को मिल सकती है। तो अपने एसेट्स को दबा के होल्ड कीजिएगा और नीचे स्टॉप लॉस लगाना मैं फिर से कहना चाहूंगा एकदम मैंडेटरी है। भैया यहाँ पे अगर हम आज के फाइनल अपडेट की बात करें भैया, यहाँ पे एक बहुत ही अर्जेंट अपडेट निकल के आ चुकी है भैया, रिच डैड पुअर डैड, जो कि दोस्तों पूरे दुनिया के, इंडिया के ही नहीं दोस्तों पूरे दुनिया के एक बहुत ही फेमस कॉइन है, उनके जो ऑथर है रोबोट कियोसाकी दोस्तों वो भी क्रिप्टो करेंसी में खासा इंटरेस्ट रखते हैं भैया, उनके तरफ से एक अर्जेंट ट्वीट निकल के आ चुकी है, क्योंकि भैया यहाँ पे जो कमाल की बात निकल के आई है वो दोस्तों ये है, द ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग रिच डैड पुअर डैड रिवील्ड इन ए ट्वीट डैट ही इज बाइंग बिटकॉइन एंड इथेरियम टू हेज अगेन राइजिंग इन्फ्लेशन दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्लियर मैसेज दिया गया भैया कि वो भी बिटकॉइन और इथेरियम को बाई कर रहे हैं दोस्तों इन्फ्लेशन से बचने के लिए, या फिर दोस्तों इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, कह लीजिए दोस्तों इन्फ्लेशन से आगे निकलने के लिए उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम को चुना है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बना देती है दोस्तों उनके एसेट्स और पोर्टफोलियो को। और भैया इससे हमें पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छी खासी राइज देखने को मिल सकती है, क्योंकि भैया यहाँ पे जो अर्जेंट बात है वो ये है भैया, रोबोट कियोसाकी ये कोई ऐसे वैसे पर्सनैलिटी नहीं है, इनकी फॉलोअर्स की संख्या पूरे दुनिया में है, और दोस्तों जब ये बिटकॉइन और इथेरियम को बाय कर रहे हैं तो भैया अच्छी खासी बाइंग हमें आने वाले वीक में दूसरे कंट्रीज के तरफ से भी देखने को मिल सकती है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। फिर मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए इसी तरह के बेहतरीन अपडेट्स लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉसेस बिल्कुल ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।